अगर आप पानी देखोगे ना तो पानी पूरा क्लियर दिख रहा है। ये सप्त ऋषि आश्रम है। सुबह का टाइम हो रहा है 7:15 का। हम नहा धो करके रेडी हो गए, जा रहे हैं हवन करने के लिए। तो पहले हवन कर लेते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं। तो इसी के साथ किधर अपने न्यू व्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आशा उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह से अपने और अपने पूरे परिवार का ध्यान रख पा रहे होंगे। चलते हवन करते हैं, अगर हो सके पॉसिबल तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अच्छा हाँ यार, मैं जब से कंटिन्यू चलता रहा हूँ मैं आपको बताया नहीं, पिछले व्लॉग में भी शायद आपको नहीं पता चला होगा। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, हम आए हरिद्वार में शांति कुंज के अंदर है, और अभी शांति कुंज का पूरा डिटेल वीडियो भी इसके अंदर आएगा। तो चलिए पहले हवन पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये मेरी पुचकू और ये मैं। हाँ वीडियो ना रही हूँ। गुन्नू तीत दिखाओ। तो चलती हैं, मम्मी जी हैं, मम्मी जी लेके जा रही है कहीं पे नहलाने के लिए। अब वो जगह पता नहीं। हाँ वैसे तो को एक बार तो नहा ही लिए, रुक जाओ। सबसे पहली बात क्या है, नहा तो लिए ही है, पर सुबह ठंडे पानी से नहाया था, मेरी गलती थी क्योंकि मैं देर से जगा था। अभी वापस जा रहा हूँ क्योंकि आज पता चला मम्मी जी के माध्यम से कि आज वो है, क्या है, अमावस्या। हाँ आज अमावस्या है, तो उसके अमावस्या के लिए संजोग से हरिद्वार के अंदर है। तो हम सोच रहे कि अमावस्या है तो जा करके नहा के आते हैं। तो गंगा जी है ना मम्मी जी, सप्त ऋषि घाट पर जा रहे हैं और वहाँ जा करके नहाएंगे और नहा कर जाते हैं। अब इस समय वही शांति कुंज में रुके हुए हैं, तो चलते हैं शांति। पहले तो कुछ अच्छी चीज़ें वो देखो आप, फिर चलेंगे नहाने के लिए। वाह जय हो शंकरा, हाय नाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, केशवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना शंकरा चले ये सांस किस तरह, केशवाय शंकरा, मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला। तो को ध्यान रखते हुए पदयात्रा में निकल गए, पदयात्रा मानो चाहे जो भी पास में ही है तो चलेगा, इतना तो चल सकता है। बहुत आराम। ये सप्त ऋषि आश्रम है, मतलब आश्रम नाम रख दिया है। ये घाट ऐसा है, यहाँ पे 7 ऋषियों ने इकट्ठे पूजा की थी, इसीलिए से सप्त ऋषि घाट के नाम से जाना जाता है। ये क्या ऊपर एफिल टावर लगा लिया, हटाओ वो धूप लग रही है। ये 5 पांडव है, पांडव स्वर्ग को जाते हुए। ये 5 पांडवों की मूर्तियां हैं यहाँ पे। अरे हम नहीं दिखा रहे, आ जाओ इधर से, यहाँ से देखो ऐसे दिखेंगे। इतना बड़ा शिवलिंग है यहाँ पे, और ये आ गए हम नदी के घाट पे। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। देखो यार दोस्तों, ये घाट थोड़ा सा मतलब प्राकृतिक बना हुआ है, तो इस टाइप का है नॉर्मली। और भी बहुत सारे घाट है जहाँ पे मैं जाऊँगा, ये प्राकृतिक है और पूरा प्राकृतिक के हिसाब से, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा भाई यहाँ चलते हैं। अगर आप पानी देखोगे ना तो पानी पूरा क्लियर दिख रहा है, अच्छा है, नहाते हैं। तेरे नाम की ज्योत ने सारा हर लिया तमस मेरा। यहाँ से गंगा जी कल कर। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग लगा रहेगी तेरी आ।
गोपियों के ओठ में मोतियां हो जिस तरह, हे शिवाय शंकरा मेरे मन में शंकरा, नाथ शंकरा तू बसा है उस तरह, हे शिवाय शंकरा मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं। देखो उसमें आ भी रही है। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा, तेरी सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। छाल का है खड़ा पांव में प्यास क्या और तुझे गंगा है तेरी जटाओं में जटाओं में जटाओं में। तो दोस्तों जो परम सुख और परम आनंद के लिए यहाँ पे आया था ना उसकी अनुभूति हो पा रही है। गंगा जी का घाट है और इस गंगा जी के घाट पे बैठ करके मैं भी नहाया हूँ जैसा आपने व्लॉग में देखा होगा। और एक जो शांति मिलती है ना जो हम अपने मतलब उठा पचक में दिनचर्या में लग जाते हैं और आपको पता ही नहीं रहता है कि आज ज़िंदगी कैसे जी जाती है ना, उन सबका यहाँ पर आनंद ले सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। बहुत बहुत मतलब एक परम सुख मिल रहा है ना वो चीज़ है। मतलब बैठा हुआ पानी के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं पानी में बैठा हुआ हूँ पेड़ डाल करके और इतना अच्छा लग रहा है। वैसे कई घाट हैं जो कई घाटों पे मैं जाऊँगा तो हर घाट के ऊपर मैं देखूँगा जहाँ पे जिससे परमिशन होगी उसके ऐसे रिकॉर्ड करता रहूँगा। मैं इतना बोलता हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी की दौड़ भाग से सुकून से ना थोड़ा भी समय मिलता है ना तो हरिद्वार ज़रूर आइए। हरिद्वार में जो सुकून मिलता है वो अल्टीमेट है। एक रिव्यू वीडियो में बना दूंगा पूरा कि हरिद्वार कैसे पहुँचे कहाँ रुके। आप फिर ना फ्री के अंदर भी हरिद्वार में स्टे कर सकते हो, आपके आने जाने का भी पैसा लगेगा। तो ये सबके ऊपर वीडियो आपको मिलेगी, बने रही है कसम से। जो चीज़ें हैं और जो मुझे आनंद मिल रहा है ना वो मतलब आपको बयान नहीं कर सकता मैं, इतना शानदार है। चलिए मिलते हैं आगे वापस। हाँ मोती मिल गया भद्दू को अभी तक है ना। अभी मैं कैमरा उठाया था इस पूरे बैग के अंदर पत्थरों को देखे ना, ये पूरा जमघट लगा रखा है इसके अंदर। कम से कम इतने पत्थर हैं वो लिए हैं माता रानी ने। चले भद्दू। तो दोस्तों नहा धो लिए, गंगा जी में पूरा स्नान कर लिए, अब वापस चल रहे हैं शांति कुंज में। और तो चलिए आगे, वहां से तो आ ही चुके हैं तो वहीं चल शांति कुंज चल के मिलते हैं अपन। तो मैं कैटेगरी में बैठ के आ गया हूँ। मैं आखिरी बार किसकी सरकार, आखिरी बार योगी जी की सरकार। ऐसे कैटेगरी में बैठा है तो उन्होंने मुझे इसके लिए कि भाई आप फील करो बैठ करके कैसा आपको लगता है। थोड़ा साउंड बैकग्राउंड में आगे चल के बात करता हूँ। जहाँ दुकान दिख रही है ना वहाँ पहुँच जा रहे हैं कुछ ना कुछ खरीदने के लिए। अब ये कोई ये है ना एक्यूपंचर का पूरा बना रखा है, आपको अगर ध्यान से देखोगे आप तो पूरा दिख रहा है। अच्छा है, टहलने के लिए अच्छी जगह है। बगल में आपने पूरी की पूरी फुलवारी बना रखी है इन्होंने तो अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे बोलते हैं जैसे कि धार्मिक स्थल पे आते हैं और जो फील होती है
तो सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। जाकर के खाना खाएंगे, दोपहर का भोजन करेंगे, क्योंकि बहुत देर से भूख लगी हुई थी। इनके इतनी शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रही थी, ना जयपुर में खत्म होती है ना यहाँ खत्म होती है, अटरक पटरक मतलब लेती रहती है। तो पहुँच रहे हैं, भोजन करेंगे। भोजन करके यहाँ पे गिलास वगैरह सब धोके रखे जाते हैं, थालियाँ सब रख करके जाते हैं, ये सारी चीज़ रखते हैं। और आप खुद ना खाओ और खा करके फिर अपनी चीज़ों को धो धा करके रखते हैं वहाँ पे, वॉश कर जाएगा। देखोगे आप ये पूरा वहाँ पे वॉश हो रहा है, वॉश कर देना। उसमें से सर्फ ले रहे हैं, सर्फ लेकर के थोड़ा मतलब वैसे तो धोके रखी जाती हैं, पर आपको अगर चाहिए तो वापस खुद भी संतुष्टि के लिए वापस से वॉश कर सकते हो, जैसे ये खुद की संतुष्टि घर रही है भाई। दिमाग में होता है खुद क्या सा बर्तन धुले रहते तो अच्छा लगता ही। तो चल दिए, ये हमारी थालियाँ हैं। कल रात को नॉर्मली मैं खाना खा के गया था यहाँ पे, तो जस्ट अभी आया हूँ, देखता हूँ क्या मिलता है खाने के लिए। वैसे तो यहाँ पे खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, वैसे खाता नहीं, पर खिचड़ी रियलिटी में बहुत अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात कि एक रुपया नहीं लगता आपका, बिना बिना पैसा लगे आपको बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है। प्रसाद एक तरह से यहाँ का मैं मुझे पता नहीं था, तो बोल दिया मैंने, तो सादा भोजन मिला और बहुत अच्छा, और बहुत मतलब एक बोलता है ना कि संतुष्टि होती है आत्मा को, तो वैसे संतुष्टि मिली और बहुत भोजन करके जा रहे हैं। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं कहाँ घूमने जाना है या फिर बैठना है या क्या करना है। अभी बैठ करके हम यहाँ तो कॉफ़ी और नाश्ता कर रहे थे, तो गुजरात से मुझे मिली है ये बहन, और अपने राजस्थान से कोटा से ये पूरा परिवार मिला है मुझे, और ये पंजाब से परिवार मिला है। इन्होंने अभी तुरंत ही मुझे सब्सक्राइब भी किया है, तो मैंने सोचा कि यार इनका एक छोटा सा व्लॉग बना लेता हूँ। इनकी एक छोटी सी याद है जो मैं इसमें रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ, जब जब इनको देखना होगा तो खुद को यहाँ पे रिवाइंड करके देख सकते हैं। और मुझे खुद भी इनसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। गायत्री माता की आरती हो रही है, वो आरती में जा रहे हैं अभी, तो आप थोड़ा सा आरती का आनंद लीजिए अभी। मिलेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, जय माता।